दोस्तों हमारे YouTube चैनल फैजान प्लम्बर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हैंगिंग वॉश बेसिन लगाना सिखाएंगे आपको। सबसे पहले इसमें टूटी कस लेना है अच्छे से, उसके बाद जाके हम दिखाते हैं, वीडियो में बने रहे आप। और इसका कैप जो कई बार क्या होता है, ये हमारा कैप ये होल बड़ा होता है वॉश बेसन का, तो उसमें आता नहीं रहता, तो इसलिए आप कैप बाज़ार से एक एक्स्ट्रा मिल जाता है इसके लिए, वो लगा दो, उससे ये होगा देखने में भी सही लगता है और अच्छे से टाइट भी हो जाएगी वो, और वो टेढ़ा नहीं होगा टूटी आपका। और जब भी जाली लगाते हैं उसमें वाइट सीमेंट थोड़ा सा लगा के फिर लगा दें, उससे क्या होगा लीकेज नहीं होगा। अब बाई चांस आपको वाइट सीमेंट नहीं है तो टेफ्लॉन टेप भी लगा सकते हो, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। और उसके बाद अच्छे से टाइट कर देना है। ये वासल हमेशा पीछे से नीचे की तरफ लगाएं। वीडियो में बने रहे हमारे, आगे हम करके दिखाते हैं। ये हमारा पीवीसी कनेक्शन है 2 फुट का, लगा रहे हैं। इसके अंदर आता है एक छल्ला, उससे आप टाइट कर सकते हो। जब टाइट करते हो ना तो एक बार आगे से हिला के देख लो कि कभी ये हिल तो नहीं रहा। वो हिलेगा तो फिर आप लीकेज मारेगा। और एक चीज़, इसका हाइट का क्या है, तो वो आप 33-34 इंची 2.5 फुट के ऊपर 1-2-3 फुट के अंदर अंदर रख सकते हो, क्योंकि वहाँ बंदे जो होता है ना वो अपना कम्फर्टेबल हाइट देखता रहता है। उस हाइट पे रख के आप निशान लगा के होल मार लो। और इसमें जब आप ब्रेकेट या फास्टनर लेते हो ना तो वो कील वाला लें, इसमें ज़्यादा इजी रहेगा, कील वाला आप यूज कीजिएगा। तो बाकी ब्रेकेट एक आता है कि टिप से आप वो टाइट कर दो, वो भी अच्छी होती है। और सीमेंट रख दीजिएगा तो वो क्या होता है, कल को हमारा एकदम अच्छे से हिलेगा नहीं, कभी लूज नहीं होगा, टाइट बिल्कुल हो जाता है अच्छे। उसके बाद अच्छे से जाम कर देना फास्टनर को, उसके बाद अब ये लगा दो। उसके बाद साइडों में आप वाइट सीमेंट भर सकते हो, या आपके पास सिलिकॉन है वो भर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और हमारा